आर्य समाज रोड के दुकानदार बुधवार दोपहर बाजार में एकत्रित हुए। दुकानदारों ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से सभी कृषि यंत्रों की सभी दुकानें खुली थी। इन आदेशों के बाद उन सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। दुकानदारों ने कहा कि बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, खेतों में पानी लगाया जाना है, ऐसे में किसानों को मुरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। किसान दुकानदारों को फोन कर सामान उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक इजाजत नहीं होने से दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे, इसलिए स्पेयर पार्ट्स भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें खोलने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त प्रदीप कुमार के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सरकार व प्रशासन से मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान कृषि यंत्रों की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। मैं कृषि यंत्र का स्पेयर पार्ट का काम करता हूं और अब बिजाई चल रही है, इसके लिए जिमीदारों के फ़ोन आ रहे हैं। पिछले हफ्ते सारे सीजन हमारी दुकानें खुली थी, अब डीसी साहब ने नया जो ऑर्डर आया उसके अंदर कृषि यंत्र की सब दुकानें बंद कर दी हैं और सीजन शुरू है, जिमीदार परेशान हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से डीसी साहब को और हमारे प्रधान हीरालाल शर्मा को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृषि यंत्र की दुकानें हमें खोलने की इजाज़त दी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा पालन करेंगे। उसको लेकर हम अभी डीसी साहब के पास जा रहे हैं और उनको ज्ञापन देने के लिए अभी जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं डीसी साहब को कि कृपा करके कृषि यंत्रों की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए।